A finance ministry had its own set of announcements up its sleeves on Friday. 10 public sector banks are now going to be merged into 4 mega structures. Now, in all the cases, these 3 banks have huge NPA, all the 21 banks have huge NPA. That is because of the policies of the government. It is not because of the wrong decision making. The government have been giving instructions, RBI had been giving lending policy periodically, banks have been following those lending policies, following those same restructuring policies which was given by the Reserve Bank of India, and now suddenly you withdraw everything to show that there is more NPA, only to show that the banks are not doing well and we don't have capital, so it becomes a tool for privatization. पहली चीज जहां तक ये सरकार और प्राइवेट कंपनी का है, देखिए आज भी आप जो भी टॉप बैंक है उनको जब अपने सबसे अच्छे आदमी लेने होते हैं तो सरकारी बैंक में जाके लाते हैं पूछें कर। दिस इज रिगार्डिंग द प्रेस रिलीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन रिकैरेक्टराइज्ड आईडीबीआई बैंक एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक. एज वी आर नो एलआईसी हैज टेकन मेजर ऑफ द शेयर ऑफ IDBI Bank. That's why IDBI Bank Limited has been categorized as a private sector bank for regulatory purpose. देखिए हमारे देश में ये PSUs का जन्म होता है वो मरने के लिए ही होता है, ये हम भूले नहीं. किसी का बाल मृत्यु हो जाता है, किसी का युवा होने के बाद मृत्यु हो जाता है. कोई एक परिवार को डुबो करके मरता है तो कोई 50 परिवार को डुबो के मरता है, लेकिन मरना तय है. कि इंडियन ऑयल के साथ मिलके अडानी गैस कंपनी और कोई निजी कंपनी नहीं, ये सिर्फ मौका अडानी साहब को दिया जा रहा है, कहीं कहीं अंबानी साहब को भी मौका मिल रहा है. तो ये जो दो उद्योगपति हैं जिन्होंने बहुत स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के चुनाव में पैसा लगाया है, नरेंद्र मोदी साहब ने अपना पूरा प्रचार 2014 में अडानी के हवाई जहाज से किया, और ये बड़ी एक खेद की बात है और आपत्तिजनक भी है कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री एक राज्य का जब एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने आता है तो वो अहमदाबाद से दिल्ली अडानी के हवाई जहाज से आता है, वो सरकारी जहाज से नहीं आता है. नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्ट संदेश दे दिया था कि वो अपने उद्योगपति मित्रों की मदद करेंगे, और इसीलिए देखिए वो जियो मोबाइल के विज्ञापन में भी आए और उन्होंने कहा कि उन्हें कोई इस बात की शर्म नहीं है कि वो खुल के अपने उद्योगपति मित्रों के साथ है. एज ए फिलोसॉफी मेरा मत है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू ए बिजनेस. आवश्यकता है देश में वेल्थ क्रिएट करने वालों का भी उतना ही मान सम्मान और प्रोत्साहन होना चाहिए, उनका गौरव बढ़ना चाहिए. लॉयल टू माई प्रोफेशन, आई कांट बी लॉयल टू द पार्टी एंड वाइस वर्सा. सो आई हैव टू डू सम रोप वॉकिंग, टाइटरोप वॉकिंग. दिस इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज दिस डिसइन्वेस्टमेंट? इज सेलिंग फैमिली सिल्वर. हां, व्हाई यू आर सेलिंग एयर इंडिया? यू अगेंस्ट एयर इंडिया सेल? बट व्हाट? नो नो, इफ दे आई विल गो टू कोर्ट इफ दे सेल. बस के चलते चलते 20 25 30 साल में उसकी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, उसमें कुछ रीवैम्पिंग हो सकती है, लेकिन इस देश के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो इकॉनमी है, उसकी रीढ़ की हड्डी पिछले कम से कम 70 साल से इस देश में पब्लिक सेक्टर में है. एक प्रक्रिया चल रही है जो बहुत खतरनाक है. एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है जो बिना पार्लियामेंट की सहमति के, बिना कैबिनेट की किसी बैठक में चर्चा किए हुए वो सिफारिश कर रहा है, या नीति आयोग की सिफारिश है, जो हम ये समझ लें कि एक गैर संवैधानिक इकाई है, जिस तरह से पहले योजना आयोग थी. तो बिना संसद में कोई प्रस्ताव पेश किए हुए, जो सार्वजनिक उपक्रम है इस देश के, जिन्हें बड़ी मेहनत से बनाया गया, और जैसा आनंद वर्धन सिंह जी ने कहा कि वो अभी तक हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं. हम लोगों ने एक छोटा सा उदाहरण देखा था, रफाल. किस तरह से अनिल अंबानी को मिला, वो उन्होंने दिया. मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो बीजेपी जैसा कहती है कि उसका कोई हाथ नहीं था, लेकिन ये भी फैक्ट है कि अनिल अंबानी इस देश की ऑर्डिनेंस, इस देश की सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छे आदमी नहीं है, जो खुद ही बैंक का इतना घाटा, इतना
हेरा फेरी करते हैं। लेकिन जो हो रहा है बहुत गंभीर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा कुछ संसद में लाए बगैर किया जा रहा है पीछे पीछे। ये बात बहुत गंभीर है, क्योंकि जब तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सरकार के पास है, सरकार उससे जो चाहे काम करा सकती है। उदाहरण के लिए कारगिल युद्ध में, जिसका अभी हाल में नरेंद्र मोदी साहब ने बड़े जोर शोर से जिसका जश्न मनाया, उस समय जो हथियारों की जरूरत थी तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने दुगना प्रोडक्शन करके वो हथियारों की आपूर्ति की, और वहीं पे 129 निजी कंपनियों से हथियार खरीदने के अनुबंध किए गए थे, बहुत बड़े बड़े ठेके थे वो, और उन कंपनियों में से 81% कंपनियों ने जो सामान उनको देना था वो युद्ध खत्म होने के 6 महीने बाद देने की पेशकश की। अब आप सोचिए कितनी गंभीर बात है कि आपको अगर हथियारों की जरूरत है तो आप किसी निजी कंपनी की राह देखेंगे कि कब वो आपको हथियार दे और कब आप लड़ें। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसकी 44 कंपनियां हैं पूरे देश में, उसके पास बहुत ज़मीनें हैं, 20,000 एकड़ से ऊपर जो है उनकी ज़मीन है, और इस समय ये सबको मालूम है कि निजी कंपनियों को ज़मीनें चाहिए, तो और कुछ न मिले न मिले उनको जमीन तो मिल ही जाएगी। और से दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज फॉलोड द प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसी दैट अफेक्ट्स द पब्लिक सेक्टर BSNL। फॉर द पास्ट 18 इयर्स BSNL could make payment to their own employees without any hindrance at all, but now BSNL is facing a financial crisis. There is a crunch, financial crunch I can say. Why the financial crunch has come, it is the question, because in the telecom sector only 4 big telecom providers are there. One is BSNL, it's a public sector company. Another one is Reliance Jio, another one is Airtel, another one is Vodafone. Up to 2014 BSNL was earning profit. मोबाइल को आप देखिए कि BSNL जो सरकारी कंपनी है उसके 70,000 टावर का इस्तेमाल जियो को करने दिया गया, और जियो को 4G स्पेक्ट्रम की सुविधा दे दी गई जबकि BSNL को वो सुविधा नहीं दी गई। तो जानबूझ के हमारे जो सरकारी संसाधन हैं वो हम निजी कंपनियों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, और उनको हम सरकारी कंपनियों से ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं, और उनको इस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं कि सरकारी कंपनियां धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएंगी और निजी कंपनियां जो है वो हावी हो जाएंगी और इनको मुनाफा होगा। और ये सारा काम जो है नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रवादी राजनीति के नाम पे कर रहे हैं, ये सबसे अजीब बात है। नंबर 2, व्हाई BSNL इज सफरिंग? द सफरिंग इज ड्यू टू द नॉन एक्सपेंशन and especially the government did not allot 4G spectrum to the BSNL, did not give. Again we gave a strike notice on December 3rd, indefinite strike throughout the country from Jammu Kashmir to Kanyakumari. We gave a call, minister invited us, all the official topmost bureaucrats were there. In front of them they gave it in writing that they will give 4G spectrum to BSNL, and in the parliament they will say that they will give. If anybody raise a question, they will say that yes, we are going to give 4G spectrum to BSNL, but still we are lacking behind. So today Reliance Jio's debt is 2 lakh crores, and what about Vodafone? 1 lakh 20,000 crores. Airtel 1 lakh 13,000 crores. These huge debts are there from the nationalized banks. If they did not pay, means bank will go bankrupt, bad debts will increase. But BSNL is having only a loan of 10,000 crores. So for the expansion of BSNL, we ask the government, you give bank loan to us also. For that, we need a letter of comfort. That government has to give it to us. 20,000 crores or 30,000 crores as a bank loan we would like to get. But government did not give letter of comfort to us at all. Our asset, BSNL asset, as per the market value, it is 4 lakh crores. It is our asset. In our corporate office, we have got a building, our own building. They have assessed this, the one building costs about 2,500 crores. So we got an asset. And we got a vacant land also.
So we asked the BSNL management, asked the government, we have got vacant lanes are there. We can monetize it. You please permit us. They have asked, they wrote a letter in 2018 after the board decision. And there, our assessment is 1 lakh crore worth of vacant land is there. It went to government. Government returned the file. They say that the land is not in the name of BSNL. It is in the name of Department of Telecom. So we are deprived of everything. The crisis created by the BSNL is the reason for non-payment of salary. But regular employees... Stop privatization. यह नारा देते हुए निजीकरण के खिलाफ BPCL के सभी यूनियन के प्रतिनिधियों की एक बैठक माहुल स्थित BPCL स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित की गई थी, जिसमें प्राइवेटाइजेशन से होने वाले नुकसान पर प्रकाश डालते हुए सभी ने इससे कैसे निपटा जाए इस पर चर्चा की। सभी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन के इस फैसले का खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। नाउ BPCL बेसिकली है क्या, पहले ये जान लो। BPCL की फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक महारत्न कंपनी है जो भारत सरकार कंट्रोल करती है, मतलब कि मेजॉरिटी स्टेक इसका 53% से भी ज्यादा भारत सरकार के पास। डिसइन्वेस्टमेंट करने से पहले वर्कर का तो इसमें नुकसान होगा ही, लेकिन देश का सबसे बड़ा खतरा देश के लिए निर्माण होने वाला है। जो खतरा यह है कि जब पब्लिक सेक्टर में जो भी हमारी कंपनीज है, जब युद्ध की स्थिति आएगी तब हमें पेट्रोल और डीजल मिलना मुश्किल हो जाएगा, और जिसके कारण हम युद्ध में हार भी सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो प्राइवेट आने वाली कंपनी हमें तेल देगी कि नहीं, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। दूसरी बात है, इसके कारण देश में आर्थिक मंदी जो अभी आई हुई है उसमें और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जब सब्सिडीज हट जाएंगी, जैसे कि हमारे फिशिंग मैन है या और सभी सारे जो साथी है, इनको मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी, और इससे काफ़ी बड़ा नुकसान हमारे देश के आर्थिक धोरण को होगा और आर्थिक नीति को होगा। तो हम PSUs बेचना, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो कंपनीज है वो बेचना, मतलब ही कंट्री बेचना हुआ है भारतीय रेलवे से, जिसमें रोजाना करोड़ों यात्री सफर करते हैं। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के एजेंडे के तहत भारतीय रेलवे को प्राइवेटाइज करने का फैसला किया है। एक व्यक्ति है जो खुद प्राइवेट व्हीकल अफोर्ड नहीं कर सकता, जिस वजह से वो सरकारी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है, उसके बाद वो रेलवे का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेली अर्निंग 30 से 40 रुपए है। आपने देखा होगा कि ट्रेन के जनरल डब्बों में किस कदर भीड़ रहती है। तो अगर सरकार इसका संचालन करे तो सरकार तो एक मिनट के लिए बात सोचेगी कि भाई जनरल के डिब्बे बढ़ाए जाएं, जिससे गरीब लोग भी आसानी से ट्रैवल कर सकें। लेकिन जब इसका संचालन आप प्राइवेट कंपनी को सौंप देंगे तो उसका एजेंडा यह नहीं होगा कि जनरल के डिब्बे बढ़ा के आम आदमी गरीब आदमी के लिए फैसिलिटी दी जाए। उसका एजेंडा होगा कि वो चीज की जाए जिससे उसको सबसे अधिक मुनाफा हो। तो इस सूरत दूसरे लेवल के प्राइवेटाइजेशन के तहत जो ट्रेनों का संचालन है अब उसी को प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जा रहा है। कुछ दिन पहले सरकार ने बताया कि ट्रायल बेसिस पे 2 ट्रेनों का संचालन प्राइवेट कंपनियों को वो सौंपने जा रहे हैं। उनमें से एक ट्रेन को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिसकी घोषणा 2 साल पहले हुई थी जिस ट्रेन की, और अब की बार उसको रेलवे के टाइम टेबल में ऐड किया गया, जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, जो दिल्ली से लखनऊ चलेगी और फिर लखनऊ से दिल्ली चलेगी। इस मॉडल के तहत जो दोनों ट्रेनों की कस्टडी होगी वो IRCTC के पास रहेगी। उसके बाद IRCTC प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट करेगा और वो ओपन बिडिंग करेंगे, यानी खुले तौर पे बोली लगाएंगे, और जिसकी बोली से IRCTC सहमत होगा उसके बाद उस प्राइवेट प्लेयर को उन ट्रेनों के संचालन की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। यानी 100 डेज एक्शन प्लान हैज बीन अनाउंस्ड एंड इट इज बीन इंप्लीमेंटेड बाय द प्रेजेंट मोदी रिजिम। इन द 100 डेज एक्शन प्लान 7 प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ इंडियन रेलवे, Rail Coach Factory, ICF, MCF, Wheel and Axle Plant Bangalore and Patiala. At the same time, 44 workshops of Indian Railways, including Golden Dock Ponmalai Workshop and Perambur Cage Works, Perambur Loco Works, 44 workshops have been proposed to corporatize by the present government. कोई मान लीजिए किसी समाज में कोई आदिवासी समाज है, कहीं पे गरीब लोग रहते हैं, वो कोई ज्यादा महंगी टिकट नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन उनका भी मुख्य धारा में जुड़ना उतना ही जरूरी है जितना बड़े बड़े शहरों के लोगों का जुड़ना जरूरी है। तो वहां तक कनेक्टिविटी करना, वहां तक रीच करना, ये जिम्मेदारी होती है रेलवे जैसे सरकारी संस्थानों की,
लेकिन जब आप उसको प्राइवेटाइज कर देंगे तो आप उसको एक प्रॉफिट अर्निंग एंटिटी बनाने में लगे हुए हैं। उसके बाद उसका यह एजेंडा नहीं होगा कि किस तरीके से हर आदमी को कनेक्ट किया जाए, किस तरीके से भारत के हर कोने में बैठे हुए समाज तक रीच की जाए, यह उसका एजेंडा नहीं रहेगा। उसका एजेंडा होगा कैसे अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए। तो जो इनके पीछे रियल पर्पज था सरकार, अदर थिंग्स वी अपोज दिस बिकॉज द पब्लिक कॉमन मैन कांट एबल टू ट्रैवल टू द रेन्स टू द ट्रेन बिकॉज देयर आर 160 Concession, travel concession has been there for freedom fighters, for sports persons, for those going to appear the examinations in the downtrodden for the downtrodden communities, senior citizens and physically disabled persons, and everything will be stopped if the rail services, passenger services have been privatized by this government. मैं इस सरकार के नीति निर्माताओं से ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकारी संस्थान भारतीय टैक्स पेयर की मनी से खड़े किए गए थे, और इस तरीके से सरकारी चीजों को बेचकर जीडीपी का आंकड़ा बढ़ाना वो विकास नहीं है मोदी जी, वो विनाश है। तो आप ये सरकारी कंपनियों को बेच के देश का विकास नहीं कर रहे हैं, आप समाज को और देश को विनाश की तरफ लेके जा कर रही हैं। लेकिन इसी देश में उदाहरण है कि विजय मल्ल्या को अपनी कंपनी बंद करके ये देश छोड़ के भागना पड़ा, नीरव मोदी को ये देश छोड़ के भागना पड़ा, और ये सारे वो लोग हैं जो इस देश का पैसा लेके भागे हैं। तो सरकारी कंपनी की तो कम से कम एक जवाबदेही होती है, लेकिन निजी कंपनी की तो कोई जवाबदेही होती नहीं। क्या नरेंद्र मोदी साहब इस बात की गारंटी देंगे कि जनता की गाढ़ी कमाई से खड़े किए गए संसाधन जो वो औने पौने दामों पे निजी कंपनियों को सौंप रहे हैं, क्या वो इस देश हित में काम करेंगी?